अच्छा ये बताइए, आप लोगों सभी लोगों को पता होगा कि जीवन में दुख हम खुद क्रिएट करते हैं या भगवान हमें देता है? गुरुजी, हम अपने कर्मों से खुद क्रिएट करते हैं। सर, अभी कर्म की बात नहीं कर रहे, कर्म को अभी साइलेंट करते हैं, क्योंकि हम अपने सोच से क्रिएट करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पर एक बात आती है कर्मा के ऊपर, जब हम चले जाते हैं तो फिर वो पास्ट लाइफ की डेस्टिनी आती है, कर्म प्रधान होता है, ये दुनिया भर की बातें आती है। परंतु ठीक है, कर्म जिसने भी किया, जो भी किया, तो जो दुख है वो अननोइंगली हम अपने जीवन में खुद से अट्रैक्ट करते हैं, अननोइंगली। देखो, इस दुनिया में आपके जीवन में अगर, यहाँ पे ना बहुत बड़ा साइंस है, मतलब बहुत बहुत अच्छा लॉ है, अगर आप किसी के बच्चे हो तो आपने वही माँ बाप क्यों चुने, ये भी एक कर्म है। ठीक है, आपके अगर बच्चे हैं तो आपके वही बच्चे क्यों हुए, अगर आपके बच्चे आपसे खुश हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके बच्चे आपसे खुश नहीं है तो अच्छी बात है, दोनों में अच्छी बात है। दोनों अच्छी इसलिए बात है क्योंकि ये मेरी पास्ट की डेस्टिनी है। जब हम किसी का कर्ज लेते हैं तो बोलते ना कि बेटा कर्ज है, आज नहीं तो कल तुम्हें चुकाना पड़ेगा, राइट? तो ये जो कर्ज है ना, आज नहीं तो कल हमें चुकाना पड़ेगा, ये कर्ज ही बहुत मायने रखता है, और इस कर्ज को हम लेकर आते हैं। आप लोग बहुत बार देखे होंगे स्पेशल चाइल्ड, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी जब हम हीलिंग करवाते हैं तो हीलिंग में ये देखा गया है कि जब मम्मी उसकी मदर की हीलिंग में हम बिठाते हैं और मदर की हीलिंग के लिए कहते हैं कि आपने इस बच्चे को जन्म दिया, ये आपके कर्मा है, बच्चे के कर्मा नहीं है, तो वो बड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि सर ऐसा कैसे। तब फिर उनको बताते हैं कि जब आपके गर्भ में बेबी था तो आपके जीवन में आपने कितनी अच्छी चीजें करी और कितनी बुरी चीजें करी। कोई माँ चाहेगी या कोई माता पिता चाहेंगे क्या कि मेरा बेटा, इस मतलब मेरा बेटी या बेटा स्पेशल चाइल्ड हो? कभी नहीं, सब यही चाहते कि हमारे बच्चे अच्छे रहे। और जो बच्चा जन्मा है वो भी चाहेगा क्या कि मैं स्पेशल चाइल्ड रहूँ? नहीं। परंतु ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे पास्ट के कर्मा कनेक्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अब उस कर्म को दो हिसाब से देखा जाता है, या तो भगवान को बुरा बुरा बोल दो कि आपने मेरे जीवन में ऐसा संघर्ष दिया, आपने मुझे यही लाइफ पार्टनर दिया, या आपने मुझे ऐसे बच्चे दिए, या तो शिकायत कर लो, या तो उस परमात्मा को बड़े प्रेम से धन्यवाद करो कि ठीक है मैंने गलती करी, उसका मुझे पश्चाताप हो रहा है और इस पश्चाताप को मैं बड़े प्यार से, बड़ी खुशी से स्वीकार करती हूँ, और मुझे पता है कि आने वाला जो समय है वो मेरा अच्छा होगा। यहाँ पे एक होप नहीं जगा रहे हो आप, एक झूठी बुनियाद और एक झूठा उम्मीद नहीं जगा रहे हो, क्योंकि जब बोलते ना पाप का घड़ा घर जाता है तो फूट जाता है, तो वैसे ही जब पुण्य का घड़ा घर जाता है तो वो फूटता है। दोनों चीजें होती हैं, जब एक बर्तन में आप पानी भरते जाते हो तो एक समय के बाद वो छलकने लगता है। सेम चीज है, जब हमारे जीवन में बहुत दुख आता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं भगवान हमें, यार एनर्जी हमें उस दुख के लिए प्रिपेयर कर रही। परंतु एक नॉर्मल सा डायलॉग है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बोलते हैं, और ये बिल्कुल सच है, जिन्होंने प्रयास किया वो कभी हारते नहीं, और जो प्रयास करना बंद कर देते हैं वो हार जाते हैं, उनकी इच्छा शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है। तो यहां पर इस दुनिया में जिस दिन आप या जिस दिन व्यक्ति दो चीजें करना चालू कर दे और दो चीजें करना बंद कर, सबसे पहले शिकायत, पहली बात, दूसरी बात अपने पास्ट लाइफ के बारे में चर्चा करना बंद।
ठीक है, आप जितना अपने पास्ट लाइफ के बारे में लोगों से बातें करोगे, आप अपने कर्मा को उतने ज्यादा खराब करोगे। पहली चीज, शिकायत करना बंद करने का मतलब यह है कि आपके जीवन में जो हो रहा है, एक बच्चा है, एग्जाम्पल के तौर पे समझना, एक बच्चा है, वो ना गुणगान गाता है कि मैं तो इस बार 95% ला के रहूंगा, मैं इस बार 98% ला के रहूंगा। जब उसका रिजल्ट आता है और उसको मिलता है 90%, तो वो खुद की गलती नहीं मानता, वो किसकी गलती मानता है? सबसे पहले क्या करेगा, अरे यार पेपर में तो मतलब टीचर, मतलब हमको तो वो सब्जेक्ट पढ़ाया ही नहीं गया था और उससे आउट ऑफ कोर्स आ गया क्वेश्चन, ये अब ठीक है, ये शिकायत करता है। फिर क्या करता है, बनाया तो मैंने सब कुछ था, पर जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर था ना, वो पक्का उसने मेरे को नंबर कम दिया, ये शिकायत करेगा। अब मान लो दोनों चीजों में ये शिकायत नहीं हुई, कोर्स में भी आया, चलो वो हटा देते हैं। फिर उसकी दूसरी शिकायत क्या होगी, यार मैं क्या बताऊं, जब भी मैं पढ़ने बैठता था ना, तो मेरी मम्मी मेरे को काम बता देती थी, बेटा ये काम कर ले, वो काम कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। जब भी पढ़ने बैठू तो मेरी मम्मी कोई काम बता दे, वो मैं घर का काम करूं, ठीक है, ये एक शिकायत। फिर और अगर वो भी दोनों चीजें ठीक है, एग्जामिनर ने पेपर भी अच्छा चेक किया, उसका पेपर भी सही सॉर्ट आया, जो पढ़ाया गया था वो भी आ गया, मम्मी ने उसको परेशान भी नहीं किया, मम्मी ने पूरा सपोर्ट किया, नहीं बेटा तू सारे काम छोड़ दे, पढ़ाई कर, फिर भी नंबर कम क्यों आए, तब क्या बोलेगा, मैं क्या बताऊं, मैं अपने पड़ोसी से बहुत परेशान, जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो वो तेज वॉल्यूम में गाना बजाना चालू कर देता। कई बार मम्मी पापा जाके बोलते थे कि भाई बच्चों का एग्जाम चल रहा है, बोलता हाँ मेरा घर है मैं कुछ भी करूँ, चलो पड़ोसी भी अच्छा मिल गया तो वो सोसाइटी के ऊपर आ जाता है, मतलब सोसाइटी अच्छी मिल गई तो किसके ऊपर आ जाता है, कोई नहीं मिला, सब ठीक मिले, सोसाइटी अच्छी मिल गई, सब कुछ अच्छा मिल गया, तो लास्ट में वो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। तो ओवरऑल वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, शिकायत। एक नॉर्मल, ये तो स्टूडेंट की बात कर दिया, अब हम अपनी लाइफ की बात करते, मेरी लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्या कहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, ठीक है, और वो उसका व्यापार नहीं चल रहा, तो वो क्या कहता है, अरे यार क्या बताऊं, जिस जगह में बैठा हूं ना ये जगह ही साली अशुभ, यहाँ पे बहुत ज्यादा वास्तु दोष है, यहाँ पे ये है फलाना ढमाका, वो मतलब बैठे बैठे नेगेटिविटी बोल रहा है, चलो वास्तु दोष भी नहीं है, जगह अच्छी है, तो वो किस पे ब्लेम करेगा, क्या बताऊं सर मेरे एम्प्लॉय ना 1 महीने आते हैं, 15 दिन छुट्टी मारते हैं और मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, तो वो किस पे दामोदर फेंक दिया, एम्प्लॉय पे। अब चलो एम्प्लॉय भी अच्छे मिल गए, तो वो क्या उसकी शिकायत क्या रहेगी, सर मेरे यहाँ क्लाइंट तो आते हैं परंतु सामान लेके नहीं जाते, ये बड़ी मुसीबत की बात है, ठीक है, तो चलो वो भी ठीक है, क्लाइंट आया लेके जाया, और कुछ नहीं होता है तो लास्ट में किसके ऊपर बम फोड़ देते हैं, ऊपर वाला ना मेरा साथ नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वो व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाता है सोने पे सुहागा, अब एस्ट्रोलॉजर ना उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दे, कैसे आप ये काम कर रहे हो, आपकी कुंडली में तो ये काम ही नहीं है, अब इस काम को करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और आपने ये स्टोन जो पहना है, ये स्टोन तो और ज्यादा नुकसान कर रहा है, हो गया कर दिया उसका, उसके दिमाग में ऑलरेडी 100% नेगेटिविटी थी, एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने और डाल दिया 50% नेगेटिविटी, बंदा वहीं पे खत्म, अब वो व्यापार जीवन में नहीं चला सकता। फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में उस एस्ट्रोलॉजर ने क्या कह दिया, आप कोशिश करो इस काम को कैसे भी करके वाइंड अप करो और आप दूसरा काम चालू करो, वो व्यक्ति लग जाता है फिर उस काम को बदलने के पीछे, 6 महीने 8 महीने में कोशिश करता है, यार ये काम एस्ट्रोलॉजर ने बोला अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो धीरे 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 काम को वाइंड अप करता है, अब एस्ट्रोलॉजर ने जो बात बोली थी वो उस काम को करता है, फिर भी काम नहीं चलता, फिर किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, वो बोलता है ये काम तो तुम्हारी कुंडली में था ही नहीं, कौन से एस्ट्रोलॉजर ने कैसी कुंडली देख के बता दी तुमको, मर गया वो आदमी वहीं पे बिन मौत मर गया, पहले बेचारे ने 20-25 लाख का नुकसान खाया, फिर दूसरे, फिर काम नहीं चला, फिर 5 साल के बाद उसने दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास गया, फिर उसने कह दिया तेरा काम अच्छा नहीं, मर गया वो वहीं पे, खत्म है उसकी जिंदगी, खत्म है। अब यहां पर ऐसी कंडीशन पे हमें करना क्या है,
हमें सिर्फ और सिर्फ अगर आप गलती से भी आप ऐसे व्यापार में कोई व्यक्ति चला गया है और आपको पता भी चल गया, मान लो आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, न्यूमरोलॉजी करते हो, वास्तु करते हो, जो आप करते हो, आपको पता चल गया कि ये काम इसके लिए सुटेबल नहीं है, आप उसको मोल्ड कर सकते हो, उसको ये बोल सकते हो कि देखो इस व्यापार से आप पैसा तो कमाओगे परंतु उतना नहीं कमा पाओगे जितना आप कमाना चाहते हो, तो इस व्यापार को आप थोड़ा स्टेबल कर लो और एक नया व्यापार खोलने की कोशिश करो, इस काम को भी करो और एक नया व्यापार मतलब करने की कोशिश करो, आप मार्केट में सर्च करो कि आपके लिए कौन सा काम अच्छा है, उसको धीरे से मोल्ड कर दो, तो क्या होगा, जब वो पहला वाला व्यापार नहीं चलेगा दूसरा वाला व्यापार चलने लगेगा तो बाय डिफॉल्ट वो पहले वाले व्यापार पे ध्यान नहीं देगा, तो उसका नुकसान कम हो गया, ठीक। और यही फैक्ट है, अगर एक सही कंसल्टेंसी अगर किसी को दी जाए तो यही फैक्ट है। उसके बाद ना वो व्यापारी सबसे ज्यादा ब्लेम करता है कि भगवान ने मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा शनि ग्रह खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरे ऊपर पितृदोष है, मेरे ऊपर ये, मेरे ऊपर वो, मेरे ऊपर फलाना ढमाका एवना तेवना, ना जाने क्या 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 बोलता है। अगर उसको पता चल जाए भाई, तो शिकायत करना बंद कर दे, ठीक है, तो शिकायत करना बंद कर दे। एक मिनट ना, ये पता नहीं कौन 3 4 बार मुझे कॉल कर दिया, ठीक है। तो वो व्यक्ति अगर शिकायत करना बंद कर दे, वो ये बोले कि ठीक है भगवान तू मुझे जो दुख दे रहा है ना दे दे, मैं इस दुख को बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं और मुझे पता है कि मैं एक दिन इससे आगे बढ़ूंगा, वो हर परिस्थिति को स्वीकार करना चालू कर देगा ना, एक्सेप्ट करना। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक्सेप्ट करता है, जो व्यक्ति अपने परिवार को एक्सेप्ट करता है, जो व्यक्ति अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करता है, जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट करता है, परमात्मा उसको उस परिस्थिति से उठा के ऊपर ले जाता है और उसको अच्छा बनाता है, क्योंकि वो उसका एक लर्निंग है। एक बच्चे की जब हम पिटाई करते हैं तो क्यों करते हैं, बच्चा जब पढ़ नहीं रहा होता है तो हम उसको डांटते हैं पीटते हैं क्यों, और बच्चा अगर बोले अरे मेरी मम्मी तो अच्छी है ही नहीं, मेरे से प्यार ही नहीं करती है, मेरे पापा भी बुरे हैं, मेरे से प्यार ही नहीं करते, हम उसको क्यों पीट रहे हैं, इसलिए पीट रहे हैं ताकि बेटा पढ़ ले तो अच्छा इंसान बन जाएगा, राइट। उसी प्रकार आपके जीवन में अगर किसी के जीवन में कष्ट आ रहा है तो वो ये समझ ले कि भगवान मेरी परीक्षा नहीं ले रहा, कभी ये शब्द नहीं यूज करना कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा, भगवान मुझे इस जीवन में जीने का सही रास्ता दिखा। एक सोना है, जब धरती से निकलता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम, जब उसे आग में तपा दिया जाता है 100 डिग्री टेम्परेचर में, 200 200 डिग्री 500 डिग्री सेल्सियस में उसको जला दिया जाता है और नॉर्मली उसको एक मेटल के रूप में बना दिया जाता है, तो वो सोने का एक नॉर्मल बीड बनता है, तो भी उसकी कीमत उतनी नहीं है, परंतु जब सोने को पीट पीट कर पीट पीट कर उसको क्लियर किया जाता है, उसकी एक ज्वेलरी बनाई जाती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। आप एक नॉर्मल गोल्ड खरीद लो, उसकी उसकी कीमत कम होगी, और आप एक ज्वेलरी खरीदने जाओ, उसकी कीमत ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज, हीरा जो हम हमको कहते हैं ना बहुत महंगा हीरा है, हीरा हम कहाँ से लेके आते हैं, हीरा जब निकलता है तो कभी आपने रॉ हीरा देखा है, नेट पे सर्च करना रॉ हीरा, एक बिल्कुल पत्थर के जैसा होता है, जैसे हम लोग वो कंची, वो क्या बोलते हैं, कंची कह रहा हूँ, एक नॉर्मल पत्थर के जैसा होता है, एक नॉर्मल पत्थर इन द सेंस जैसे, नॉर्मल जैसे कोई भी स्टोन होता है वैसा होता है, उसमें कोई शाइनिंग नहीं होती, हाँ मतलब पता ऐसे भी समझ नहीं चलता लो कि ये हीरा क्रिस्टल्स, है। आप रॉ क्रिस्टल्स देखे होगे, नहीं देखे हो तो आपने गिट्टी तो देखी होगी, गिट्टी को अगर आप जितना तराज दोगे एक मूर्ति बन जाती है, बहुत अच्छे से तराज दो उस पत्थर को, उस पत्थर को जितना तराशोगे उतना ज्यादा, एक संगमरमर का पत्थर है नॉर्मल, कोई शेप नहीं है, और एक मूर्तिकार उसको घिस घिस के एक छोटी सी मूर्ति बना देता है, उसकी हम पूजा करते हैं, तो सोचो वो कितना कष्ट सही है वो मूर्ति, तब जाके वो पूजनीय हो। उसी प्रकार हीरा जब निकलता है तो उसको इतना घिसा जाता है, इतना बड़ा हीरा रहेगा तो वो इतना सा बनता है,
खुद को इतना ज्यादा काट दिया जाता है, तराश दिया, तब जाके उस हीरे की वैल्यू होती है। तो सेम चीज अगर जीवन में दुख आ रहा है ना, तो आप ये समझ लो कि भगवान आपकी तराश रहा है, भगवान आपको ठोक रहा है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बड़ी मजे की स्टोरी है और बहुत अच्छी लगेगी, ये एक लेसन वाली स्टोरी है। एक समय की बात है, एक बहुत अच्छा मूर्तिकार एक गांव में जाता है। गांव में जब जाता है तो वहां देखता है कि वहां पे रास्ता नहीं है, जाने के कोई साधन नहीं है, वहां लोग पैदल ही जाते हैं और बैलगाड़ी से जाते हैं। मूर्तिकार जाता है, देखता है एक भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत बहुत भव्य मंदिर। वो देखता है कि यार मंदिर में कोई ना कोई देवता तो बैठे होंगे। अंदर घुसता है, वहां पे देखता है मंदिर तो बड़ा भव्य बना है परंतु देवता कोई नहीं है। वहां जाके पूछता है गांव वालों से कि यार इतना अच्छा मंदिर बनाया आप लोगों ने, परंतु भगवान की आपने मूरत क्यों नहीं रखी? तो बोले देखो, हमारे पास जो संसाधन थे, हमने उस संसाधन से इस मंदिर का निर्माण कर दिया, परंतु जो इस मंदिर में मूर्ति आएगी वो बहुत बड़ी आएगी, और हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम, मतलब साधन नहीं है जिससे हम बड़ी मूर्ति यहाँ लेके आ जाए। तो वो कहता कोई बात नहीं, मैं तो खुद एक मूर्तिकार हूँ, आप मुझे बताओ यहाँ पर बड़े पत्थर कहाँ मिलेंगे, मैं मूर्ति को तराश, मैं बनाता हूँ मूर्ति। तो कहते हैं यहाँ से आप थोड़े दूर में जाओगे, वहां पर आपको बहुत सारे पत्थर मिल जाएंगे। वो जाता है, थोड़े दूर जाता है, आधा किलोमीटर, उसके बाद पहला पत्थर उसको बहुत अच्छा खूबसूरत सा दिखता है। वो कल्पना करता है कि यार इसका, इस पत्थर को अगर मैं तराशूंगा तो इतने फिट की मूर्ति मेरी बन जाएगी। वो अपना छेनी हथौड़ी लेके ठक ठक करता है, तो पत्थर से एक आवाज आती है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे बहुत चोट लग रही है। तो मूर्तिकार बोलता है कि यार ये तो तकलीफ वाली बात है, तेरे को चोट लग रही है? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ देता हूँ, मैं तेरे को नहीं तराशूंगा। फिर थोड़े दूर जाता है तो एक और पत्थर दिखता है, वैसे ही हूबहू वैसा ही पत्थर। फिर उसको वो ठोकना पीटना चालू करता है, तो वो पत्थर उस दर्द को सहता है, वो एक बार भी नहीं कहता मुझे बचाओ मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे बचाओ मुझे तकलीफ हो रही है। वो कहता है कि भगवान शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना कष्ट देने के लिए, मैं इस कष्ट को स्वीकार करता हूँ, मैं इस दर्द को स्वीकार करता हूँ, मैं इस पीड़ा को स्वीकार करता हूँ। करते 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 2 महीने के अंदर वो मूर्तिकार बहुत खूबसूरत सी मूर्ति बनाता है। फिर गांव वालों के पास वापस आता है और कहता है कि चलो मैंने एक मूर्ति बनाई है, मंदिर में लाके रख दे। वो रख देते, अब वो मूर्ति को लाके मंदिर में रख देते, उसकी खूब पूजा पाठ होती है, खूब पूजा पाठ होती है। अब ये होता है कि मंदिर में मूर्ति तो रख दी गई, अब नारियल तोड़ने के लिए पत्थर चाहिए, नारियल तोड़ने के लिए पत्थर चाहिए। तो गांव वाले बोलते हैं कि यार ऐसे तोड़ेंगे तो हमारा फर्श खराब होगा, हमारे फ्लोर खराब होगी। तो चलो वो फलाना दूर में जाते, वहां पे एक बड़ा सा पत्थर रखा, उसी को उठा के ले आते। तो उठा के जस्ट मंदिर के सामने रख देते और सारे लोगों को बोले था बेटा नारियल तोड़ोगे तो यहीं तोड़ोगे। तो जो भी आता धड़ से मारता नारियल, जो भी आता धड़ से नारियल मारता, मतलब चोट पे चोट। फिर एक समय की बात होती है, रात का समय होता है, दोनों पत्थर आपस में बात करते हैं। क्या बोलते, मालूम है यार तू बहुत भाग्यशाली है, तू बहुत भाग्यशाली है कि लोग तेरे को फूल पत्ती धूप दीप अगरबत्ती माल मेवा जो भर दुनिया भर की, और लोग तेरी कितनी सेवा करते हैं, और मैं देख कितना अभागा हूं कि जो आता है मेरे सर पे नारियल तोड़ के चला जाता है, जो आता है वो मेरे सर पे नारियल तोड़ के चला जाता है, मतलब मैं कितना दुखी हूं, मतलब इस जगह पे मैं रहूंगा तो जीवन भर मुझे कष्ट मिलेगा, और तू जिस जगह पर है उस जगह पे तुझे जीवन भर खुशियां मिलेंगी, तुझे जीवन भर 56 भोग मिलेंगे। तो जो मूर्ति बनी हुई पत्थर रहता है वो कहता है कि पागल, ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तेरे पास आई थी, ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले तेरे पास आई थी, जब वो मूर्तिकार तेरे पास आया और उसने तुझे तराशना चालू किया तो तू जोर जोर से चिल्लाने लगा मुझे बचाओ मुझे दर्द हो रहा है मुझे बताओ मुझे दर्द हो रहा है, तो उसने तुझे छोड़ दिया। और फिर मेरे पास आया तो उसने मुझे जितना मारा जितना ठोका जितना तराशा, मैं चुपचाप उस दर्द को सहता रहा, और आज देख तेरी और मेरी स्थिति क्या है। बात समझ में आई इस स्टोरी से? क्या समझ में आया इस स्टोरी से? ये समझ में आया कि जब भगवान आपको कष्ट देता है ना, तो आप ये समझ लेना कि आपको वो कुछ बनाना चाह रहा है, और जिस दिन आपको खुशियां देना चालू कर दिया ना, उस दिन आपकी पिक्चर बना दिया, मतलब खत्म। तो आप क्या बनना चाहोगे, पहला वाला पत्थर या दूसरा वाला? दूसरा सिंपल सेकंड सिंपल वन देख लेंगे, इसमें फेस तो कर लेंगे। ये इतना सरल एग्जाम्पल है, अगर आप समझ गए ना
तो आप ये समझ जाओगे कि आपकी जो भी एज हो, यहाँ पे एज मायने नहीं रखती, यहाँ पे मायने रखता है नॉलेज। अगर आपको जिस समय आपके ज्ञान के चक्षु खुल गए, उससे क्षण उसी पल आपका दुख जो है वो 70 से 80% खत्म हो जाता। परंतु आज मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ जिनकी एज है 50 55, उनको पता ही नहीं है कि जीवन में क्या चाहिए, और वो हमेशा रोना रोते रहते हैं, भगवान ने मुझे दुख दिया, भगवान ने मुझे ये दिया। जो दिया उसके ऊपर तो बात कर ले, जो मिला उसकी बात नहीं करते, जो नहीं मिला उसकी बात करते। तो ये आप समझ लेना। और उस पत्थर ने जब अपने आप को स्वीकार किया, उस कष्ट को स्वीकार किया, तो समझ लो वो मूर्ति, जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक वो मूर्ति पूजनीय रहेगी, और जब तक वो मंदिर रहेगा तब तक उस खोपड़ी में उसके नारियल फूटता रहेगा। ठीक है, तो शुरू में जो हमें कष्ट मिलता है ना, उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करना चाहिए, और बाद में हमें खुशी मिलती है। अगर दिन है तो रात होगी ही होगी, अगर रात है तो दिन होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान के जीवन में अगर दुख आ रहा है तो दुख ही आएगा, खुशी नहीं आ सकती। और एक चीज बोलना चाहूंगा, ये दुख और ये सुख ये हमने बनाए हैं। हमारे बनाए हुए दुख है और हमारा बनाया हुआ सुख है। एक क्षण में आप दुखी हो सकते हो और एक क्षण में आप खुश हो सकते हो। जिस दिन आप न्यूट्रल रहना चालू कर दोगे ना, उस दिन मजा आएगा लाइफ में। परंतु हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बड़ी गंदी होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है, अगर बच्चे हो गए बड़े तो बच्चे मेरे ये करे, बच्चे मेरा ध्यान रखे, बच्चे ऐसा करे, बच्चे वैसा करे, पति मेरा ये करे, है ना, पत्नी मेरी ये करे, एक्स वाई जेड, दुनिया भर के एक्सपेक्टेशन। जब तक एक्सपेक्टेशन आप लगाओगे, मान के चलो आपके जीवन में हाहाकार मचता रहेगा। जिस दिन आपने एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दी, कुछ लोग लॉजिकली बोलेंगे बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ काम नहीं होता, होते मैं मानता हूं, परंतु ऐसी जगह पे एक्सपेक्टेशन लगाओ जहां पे आपको दुख ना हो। अब एक लड़का है, एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, इट इज पॉसिबल। भगवान को कह रहा है, बहुत बोल रहा है, वो भी खूब अच्छा है, करोड़पति बेटे का लड़का है। अब वो चाह रहा है कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, या मेरी शादी ऐसी फिल्म स्टार से हो जाए जो ऑलरेडी शादीशुदा है। उसने ऐसी स्टुपिड वाली एक्सपेक्टेशन लगाई, तो यहाँ पे द लॉ ऑफ कर्मा। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कोई कोई भी लॉ काम नहीं करेगा। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ रिदम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वो कितना भी अट्रैक्शन करे, कितना भी मैनिफेस्टेशन करे, कितना भी विजुअलाइज करे, हो ही नहीं सकता। वो एक्सपेक्टेशन ही गलत लगा लिया। हाँ, अगर वो कहे कि ऐश्वर्या राय जैसी खूबसूरत पत्नी मैं अपने जीवन में अट्रैक्ट करता हूँ, तो यूनिवर्स कहेगा कि ठीक है, ले तेरे को दे देता हूँ। अब वही मुझे चाहिए तो उससे बड़ा बेवकूफ है कोई दुनिया में? हम यहीं पे गलती करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने स्टूपिड जैसा दिया ताकि समझ में आए। अब इसको थोड़ा सा अलग वे में दे। एक व्यक्ति के पास BMW है, कि आपकी भी एक्सपेक्टेशन आ गई कि हे भगवान मेरे पास भी आ जाए BMW, आ जाए BMW, आ जाए, तो ठीक है। अब ये देखो कि उस BMW को उसने किस दर्द में खरीदा, या फिर किस खुशी में उसने खरीदा। कई बार ऐसा होता है ना कि पति पत्नी बहुत फोर्स करती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लेनी है लेनी है लेनी है लेनी है, वो बेचारा दर्द में, ठीक है भाई ले ले, पत्नी की खुशी में मेरी खुशी, तो वो बेचारा वो दर्द में गाड़ी खरीद रहा है। तो उस दर्द को नहीं देख, हमें नहीं दिखता। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा आलीशान बंगला बना लिया, अब उसके पीछे का दर्द देखोगे ना, तब तो आपको पता चलेगा उससे ज्यादा तो हम खुश हैं, उससे ज्यादा तो हमें खुशी है। हम घर में 2 वक्त की रोटी मजे से खा रहे हैं, और वो बेचारा 1 वक्त की रोटी ठीक से नसीब नहीं है। पैसा तो खूब है, परंतु बेचारे के पास खाने का ठिकाना नहीं। तो वो जब हम देखते हैं ना, हमको हमेशा एक चीज याद रखना, ये बड़े बुजुर्गों का हमेशा कहावत है, आपके सामने अगर 4 लोग बैठे हैं और थाली सजा दी जाए, तो हमेशा दूसरे की थाली में खाना ज्यादा लगता है और दूसरे की थाली में कुछ चीजें अच्छी लगती है। सब कुछ सेम होने के बाद भी हमें ये लगता है उसके में ना थोड़ा घी ज्यादा गिर।
सही है या गलत है? जी सही है, बिल्कुल सही। दूसरी थाली में जैसे कि लड्डू नजर आते हैं। हाँ, दूसरे की थाली में हमेशा हमें ज्यादा अच्छा नजर आता है, खुद की थाली में हमेशा कम लगता है। और उसको क्या लग रहा होगा मालूम है? अरे यार, उसकी थाली में ना वो वाली सब्जी ज्यादा दे दी है जबकि मेरे को ये वाली पसंद है। और आपको क्या लगे यार, उसकी थाली में ना वो सब्जी ज्यादा दे दी जो कि मुझे पसंद है। दोनों एक दूसरे के थाली एक्सचेंज कर लो, बराबर हो जाएगा। मगर नहीं, मुझे जो मिला मैं खाऊंगा। तो हमेशा दूसरे की थाली में हम झांकते हैं और यही लगता है कि दूसरे की थाली में खाना ज्यादा अच्छा है। ये हमारे मानव की फितरत है। और जिस दिन हम इस फितरत को खत्म कर देंगे, उस दिन आप देखना, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। एक चीज बताना चाहूंगा, खाना, पानी, दाना, ये सब पहले से लिखा हुआ है। ये कैसे लिखा हुआ है पहले से बताऊं? इस दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो पहले से ही हमारी पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। पहले से ही हमारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कैसे? हम जितनी सांस लेते हैं ना, वो पूरी वहां लिखी हुई है कि इस व्यक्ति को 5 करोड़ सांस लेनी है और 5 करोड़ सांस छोड़नी है। ना एक ज्यादा ले पाएगा, ना एक कम ले पाएगा, ठीक? वो फिक्स्ड है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं ना आईसीयू में एडमिट है, बस हम कहते हैं ना आखिरी सांस चल रही है, आखिरी सांस चल रही है, भगवान इसके सांस की काउंटिंग चालू करके रखा, काउंट डाउन चालू है, उल्टी गिनती चालू है, जिस दिन इसकी सांस कंप्लीट हो जाएगी ये नमस्ते हो जाएगा, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप खाना खाते हो ना, वो भी फिक्स्ड है, पूरे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि आप अगर चावल 50 टन खाओगे तो वो फिक्स है, 50 टन चावल इसको खिलाया जाएगा, 100 टन गेहूं खिलाया जाएगा, मतलब बचपन से लेके आपके मरते तक। और अगर वहां पर आपने, तभी तो बड़े बुजुर्ग कहते ना कि अनाज का दुरुपयोग मत करो, उसको फेंको मत, फेंकना नहीं चाहिए, जितना मिले उतना खा लो, वरना उतना ही लो जितना आप खा सको, फेंको मत। तो होता क्या है, वो फिक्स्ड है। अब कई बार क्या होते हैं ना, कई लोग अति करते हैं, इतना सारा ले लेंगे थोड़ा सा खाएंगे फेंक देंगे, फिर इतना सा ले लेंगे थोड़ा सा खाएंगे फेंक देंगे, लास्ट मोमेंट में उस आदमी को भूखे मरना पड़ता है। कभी कहते हैं ना यार, उसकी देखो स्थिति क्या हालत हो गई है, नाक में पाइप, मुंह में पाइप, बेचारा अन्न का एक दाना नहीं खाया और मर गया। जब उसके पास हिस्ट्री में आप जाओगे ना, उसकी फैमिली वाले से पूछोगे तो बताएंगे इतना बर्बाद करता था, खाना पानी की पूछो मत, मुंह से नहीं जा रहा कुछ, नाक से जा रहा है, ठीक है, या तो फिर ड्रिप चढ़ रही है आईसीयू में, जो कई लोग एडमिट होते हैं। तो यही चीज होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बस रात में सो रहा था, सोते ही रह गया, सुबह उठा ही नहीं, उसके हिस्से का खाना बचा हुआ था, तो फिर वो तेरीवी होती है, फिर लोगों को खिलाया जाता है, राइट? तो ये फिक्स है कि कितना खाना उस व्यक्ति को खाना है, कितना पानी उस व्यक्ति को पीना है, कितनी सांस उस व्यक्ति को लेना है। तो हर चीज ना फिक्स है। कितना पैसा उस व्यक्ति को मिलेगा जीवन भर, ये भी फिक्स्ड है, परंतु अननोइंगली पैसे के मामले में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, अननोइंगली हम खुशी के मामले में हमेशा पीछे रह जाते हैं, राइट? यहां पर अगर आपको पता चल जाए कि आपको जीवन में 200 करोड़ रुपए मिलने हैं, तो आप कहीं ना कहीं से इकट्ठे कर लोगे 200 करोड़। अगर आपको जीवन में पता चल जाए कि आपको 10 लग्जरी कार मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाएगी। अब आपको पता ही नहीं है स्क्रिप्ट के बारे में खुद की, आप भगवान एक तो अच्छी कार दे दे, कम से कम 5 करोड़ तो दे दे, स्क्रिप्ट में लिखा है 200 करोड़, परंतु हम उसको ले ही नहीं पा रहे और फिर हम ब्लेम करते। तो इसीलिए आप देखना, एक चीज याद रखना, जो व्यक्ति बीमार होते हैं, ये ना इसको हम स्वर विज्ञान की भाषा में बोलते हैं, जो व्यक्ति बीमार होता है ना, उसकी जो सांस है वो बहुत छिछली होती है। छिछली का मतलब समझ गए? वो सांस लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। इसका ना इसका एक वैज्ञानिक रीजन देता हूं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया, उन्होंने चार चीजें ली, चार चीजों को लिया, एक मक्खी, दूसरा एक डॉग, तीसरा मानव और चौथा कछुआ।
उन्होंने ये रिसर्च किया कि एक मक्खी मात्र 3 से 5 दिन में ही क्यों मर जाती है, या 7 दिन में क्यों मर जाती है। एक डॉग की जो आयु है वो 10 से 12 साल ही फिक्स्ड है, 15 साल मैक्स टू मैक्स, उसकी कर्म अच्छे होंगे तो 15 साल जी जाएगा, बाकी 10 से 12 साल डॉग की, 15 साल मान के चलो, डॉग 15 साल से ज्यादा नहीं जीता। जैसे हम मानव है ना, 70-80 लिमिट है, उसके बाद खसक जाते हैं, तो वैसे डॉग का भी एक एक्सपायरी डेट है 15 साल। और एक कछुए का एक्सपायरी डेट बताओ कितना है, किसी को पता है? 200 ईयर्स। मिनिमम मिनिमम। अब इसका ना उस पर उन्होंने रिसर्च किया कि ऐसा कैसे, जब उन्होंने देखा मक्खी को जब लिए तो उन्होंने देखा कि एक मक्खी 1 मिनट में 300 बार सांस ले रही है, 1 मिनट में एक मक्खी 300 बार, 250 से 300 बार सांस ले रही है, ठीक है, तो मरना तय है उसका, उसका हार्ट कितना तेज चलता होगा क्या है। फिर उन्होंने ये देखा, रिसर्च किया कि एक डॉग का, एक डॉग जो है वो 1 मिनट में कम से कम 40 से 50 बार सांस लेता है, तो 15 साल उसकी आयु है। एक मानव अगर स्वस्थ है तो उसकी जो ब्रीदिंग है, स्वस्थ मानव की जो ब्रीदिंग है वो 1 मिनट में 10 से 12 बार सांस लेगा, और जो बीमार है वो कम से कम 15, 20, 25 बार सांस लेता है। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा? अभी आपको पता चल जाएगा, अगर आप कभी, आपको फीवर होता है, आप अपने हाथ के पास में स्टॉप वॉच लगा लेना, अपने हाथ यहाँ पे नोस्ट्रल के पास में रख लेना, अगर आपकी ब्रीदिंग 10 to 12 है, 10 से 15, इसका मतलब आप, वह व्यक्ति स्वस्थ है। अगर किसी की ब्रीदिंग 15+ चली गई, 17, 18, 20 चली गई, मतलब वो व्यक्ति बीमार है। कारण, क्योंकि वो सांस ज्यादा ले रहा है, सांस ज्यादा लेगा मतलब उसका मीटर बहुत तेजी से चल रहा है, धड़धड़ धड़धड़ धड़धड़, उधर इधर का काउंटडाउन खत्म होते जा रहा है, किधर का जो स्क्रिप्ट में लिखा है ना वहां पे नंबर माइनस होते चले जा रहे हैं। और एक कछुआ जो है वो 1 मिनट में 1 बार सांस लेता है, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में 1 बार सांस लेता है, और 1 से 1.5 मिनट में 1 बार सांस को बाहर, इसीलिए कछुआ बहुत स्लो होता है, इसी पता है, कछुआ बहुत हाँ स्लो होता है। भाई, इसके यहां से आवाज आ रही है, कछुआ जो है वो बहुत स्लो होता है इसलिए वो ज्यादा जीता है। मक्खी जो है वो बहुत तेज होती है, आप उसको पकड़ लो, पकड़ ही नहीं पाओगे, उतनी स्पीड होती है उसकी। एक डॉग है, डॉग भी बहुत तेज सांस लेता है, ठीक है, एक मानव है। अब आप देख लो, जितना डॉग सांस लेता है वो कितना एक्टिव है, हमसे ज्यादा है ना। अगर किसी के पास डॉग होगा तो आप देख लेना, आप उसको बस एक आवाज दोगे, वो कितना भी बीमार क्यों ना रहे, आप उसको एक आवाज दोगे वो तुरंत दौड़ते हुए आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो बीमार है। और एक मानव अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ करने लगे, ओह अब क्या बताए, जीवन खत्म होने वाला है ना। बुखार आ गया तो 4 दिन पूरे मोहल्ले को पता चल जाएगा कि फलाने को बुखार है, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो हम, जितना व्यक्ति स्लो होता है उतना ज्यादा स्वस्थ स्वस्थ होता है, परंतु उतना आलसी होता है। तो ये चेक करके देखना, आपको पता चलेगा कि जितनी लंबी ब्रीदिंग, जो लोग देखना आप, जो लोग जल्दी 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 सांस लेते हैं ना, वो समय से पहले बुजुर्ग हो जाते हैं, समय से पहले उनकी एज ढल जाती है। और जो लोग लंबी गहरी सांस लेते हैं ना वो स्वस्थ रहते हैं। लंबी गहरी सांस का मतलब यह है कि वह व्यक्ति पूरे की पूरा का पूरा ऑक्सीजन अपने बॉडी में ले रहा है, और पूरी ऑक्सीजन को वो बाहर फेंक रहा है। जब मेडिटेशन करते हैं, आप जब गुस्से में होते हो, जब आप किसी के साथ लड़ते हो, किसी के साथ बहस हो जाती है, तो आपकी ब्रीदिंग कैसी होती है, छिछली, आपका बीपी बढ़ जाता है। और जब आप खुश होते हो तो आपकी ब्रीदिंग देखना, और जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपकी ब्रीदिंग देखना, हर समय, हर पल आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, 4-5 जगह ब्रीदिंग चेंज होती है। आप घर में बैठे हो, आप रिलैक्स हो, आप घर में बैठे हो, आप रिलैक्स हो, आपकी ब्रीदिंग 10 से 12 होगी। आप मार्केट चले जाओ, आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाएगी, चलने से नहीं बढ़ेगी, भागे एनवायरनमेंट से बढ़ जाएगी। और गलती से किसी से धक्का लग गया, या किसी ने आपके पर्स में हल्का सा हाथ लगा दिया, या किसी ने आपको कुछ कह दिया, तो फिर ब्रीदिंग देखना कैसी चलती है। और मान लो चल रहे हो और आपके पैर के नीचे सांप आ गया, फिर ब्रीदिंग देखना कैसी चलती है, ठीक है। तो वो ब्रीदिंग का ही खेल है, इसीलिए गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा था, विपश्यना मेडिटेशन जो होता है उसमें यही कहा बोला गया कि आप अपनी
सांसों के ऊपर फोकस करो। आप जितनी कंट्रोल वाली सांस लोगे, आप अपने जीवन को उतना ज्यादा कंट्रोल में रख सकते हो। जब व्यक्ति का दिमाग खराब होता है तो उसकी सांस को चेक करना, उसकी सांस बहुत तेज होती है। जब व्यक्ति रिलैक्स होता है उसकी सांस को चेक करना, बहुत ज्यादा रिलैक्स। अब कहते हैं ना कि थॉट बंद नहीं होते, होते थॉट बंद होते। कैसे बंद होते? आप छोटा सा प्रैक्टिस करवाता हूं अभी। जनरली ये होता है ना कि क्या बताएं सर, हमारे विचार कभी बंद नहीं होते। बंद होते हैं बट कुछ पल के लिए बंद होंगे। लंबी गहरी सांस लो और कुछ पल के लिए होल्ड कर दो, आप देखो विचार नहीं आएगा। जब तक सांस चलेगी तब तक विचार चलेगा, ये तय है। और जिस दिन आपने सांस होल्ड कर दी उस दिन विचार खत्म। मरने वाली बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो आप लंबी गहरी सांस लो और कुछ पल के लिए होल्ड। जब आपको ऐसा लगे यार मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, आप लंबी गहरी सांस लो और कुछ पल के लिए होल्ड कर दो। 5 से 7 मिनट आप ये प्रैक्टिस कर देना, जीवन में जितना बड़ा सा बड़ा दुख होगा ना, खत्म लगेगा यार। लगेगा कि मेरे से भला तो कोई था ही नहीं इस दुनिया में। आई बात समझ में? आज हम ब्रीदिंग प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है? अब यहां पर जब मन अशांत हो, मैंने कहा ना शिकायत हम कर रहे हैं, मन अशांत हो, चीजें समझ में ना आ रही हो, लाइफ में कुछ समझ में ना आ रहा हो, ये भगवान मैं क्या करूं, मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए, किसके लिए जाना चाहिए, तो आपको एक बहुत अच्छी ब्रीदिंग प्रैक्टिस बता रहा हूं। और 5 मिनट करेंगे भी, और 5 मिनट करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर, ठीक है? अभी आप लोग अपने आप को नंबर दे दो कि मेरा दिमाग कितना परसेंट अच्छा है, या मेरी बॉडी कितने परसेंट रिलैक्स है, या मैं कैसा फील कर रहा हूं। अभी आप अपने आप को एक 100 में मतलब नंबर दे दो, 50% ठीक हो, 60%, 20%, 40%, जो भी आपने अपना नंबर देना है वो अपने आप को दे दो, ठीक है? खुद को आप अपना नंबर दो, याद रखना, भूलना नहीं। और फिर अब ये प्रैक्टिस करने के बाद बताना कि आप कैसा फील कर, ठीक है? सभी ने दे दिया अपने दिमाग में, चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट कैसे करना है वो आपको बताता हूं। आप जो सांस लेते हो ना, इस सांस को 2 स्टेप में लेना है और इसी सांस को 2 स्टेप में बाहर निकालना। पहले सांस लेंगे, फिर कुछ पल के लिए होल्ड करेंगे, फिर 2 बार में निकालेंगे, ठीक है? सांस लेंगे, मैं मुंह से बोल रहा हूं ताकि समझ में आए, ऐसे सांस लेना है, मतलब 2 स्टेप में आपने सांस लेनी है। अब ऐसे समझ लो कि आप पहली बार सांस लेना 1 2 3 बोल करके, फिर सांस लेना 4 5 6 तक, ठीक है? 2 बार में सांस लेना और 2 बार में सांस बाहर निकालना, ठीक है? चलिए 5 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। कैसा फील कर रहे हो पहले और अभी में? मुझे रिलैक्स, रिलैक्स, थकावट दूर हो गई दिन भर की। रिलैक्स फील कर रहे हो? जी थकावट निकल गई दिन भर की। मन में यही चीज है, यही प्रैक्टिस। अगर हम जिस समय हम अपनी सांस को पकड़ के काम कर लिए ना, उस समय आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। हमें क्या है पता ही नहीं होता। हर व्यक्ति को पता है कि उसके पास एक डिवाइन पावर है, परंतु वो सोया हुआ है। हर व्यक्ति हनुमान जी है, ठीक है? चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, हर व्यक्ति हनुमान जी। उसके अंदर जो दैवी शक्तियां छुपी हुई है उन्हें पता नहीं है। हनुमान जी की दैवी शक्तियों को बताया गया कि आपके अंदर ये पावर है, पावर है, पावर है, तो उन्होंने जागृत कर ली। हमको बताने वाला कोई नहीं है, और सही बताने वाला कोई नहीं है। बताने वाले तो बहुत है, ये कर लो वो कर लो, अपनी जेब भरने वाले बहुत है, ठीक है? परंतु सही बताने वाला कोई। तो जब आप अपनी
अपने विवेक से करते हैं ना कोई भी चीज, तो आप देखोगे कि जीवन में आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा और टेंशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? पहले आज से जीवन में क्या नहीं करना, शिकायत। दूसरी चीज, कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को बड़े प्रेम से स्वीकार करना। और तीसरी स्थिति जब आए तो वहां पे आपको भगवान को धन्यवाद दे, चाहे कितना ही दुख क्यों ना आ जाए। अगर दुख आ जाए तो ये बोलना कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिंदा तो रखा, मरे तो नहीं हो ना। मर जाओगे तो उस समय ये भी बोला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उस नरक से मैं बाहर आ गया, उस माया जाल से मैं बाहर आ गया। ठीक है, तो जब आप परिस्थिति को स्वीकार करते हो ना तो अपने आप धन्यवाद निकलता है। और जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक शिकायत निकलेगी, धन्यवाद दिल से नहीं निकलता। फिर वो सिर्फ बोलने का होता है, ठीक है भगवान सर ने कहा था कि धन्यवाद बोलने से कुछ अच्छा होता है, करके देखते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। चोट लग गई, गलती से चोट लग गई, अच्छी बात है, चोट छोटी लगी, बड़ी लगती तो दिक्कत जाती। इस दर्द को मैं स्वीकार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे यहाँ नहीं, ये मेरे यहाँ ये एग्जाम्पल ना मैं हमेशा देता हूँ। मेरे यहाँ एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे यहाँ एक महिला ऑफलाइन आती थी, अभी भी, अब नहीं आती है, पहले आती थी, जिंदा है, मरी नहीं है, थी, गलती गलत हो गया बोलना। एक महिला है, वो आती थी, अग्रवाल फैमिली से हैं, तो वो ना, उनका ना शुगर हमेशा 350 और 400 रहता, शुगर। बहुत दवाई कराई, बहुत दवाई कराई, किसी ने बोला कि सर के पास जाओ, मेडिटेशन सिखाते हैं, मे भी आपका शुगर कंट्रोल में हो जाएगा। वो आई, आने के बाद ना डॉक्टर भी कहने लगे कि आप ऐसा मत करो। तब मैंने ना उनके पैटर्न को पकड़ा, जब बात हुई, क्योंकि तो ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो 10 दिन क्लासेस कंटिन्यू चलती थी, 10 दिन 12 दिन तक, तो एक दो दिन में तो समझ में नहीं आया कि उनके साथ टंटा क्या है। मैंने कहा ठीक है, बात करते 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 पता चला कि वो हर जगह पे ना सिर्फ और सिर्फ दो शब्द बोलती, भगवान ने मेरे को ये बीमारी दे दी है, मैं मर जाऊंगी, भगवान ने मेरे को बीमारी दे दी है, मैं अच्छे से खा नहीं सकती, इतना पैसा है, उसके बाद में मिठाई नहीं खा सकती, मैं ये नहीं खा सकती, मैं वो नहीं खा सकती, मतलब सिर्फ और सिर्फ शिकायत। मैंने उनको बोला, सिखाया, 2 दिन की क्लास में सिखाया, एक्सेप्ट करो, धन्यवाद करो, एक्सेप्ट करो, धन्यवाद करो, नहीं समझ में नहीं आया, दिमाग की बत्ती नहीं जली। फिर 8वें या 9वें दिन उनके दिमाग की बत्ती जली कि कोई बात नहीं, एक दिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ। उन्होंने ना प्रैक्टिस करना चालू किया, 1 महीने तक जो भी मिले सादा मिले, अब किसी का शुगर 450 और 500 चला जाए, उसके बाद भी वो मिठाई खाए तो मरेगा या जिएगा, मतलब उसकी स्थिति तो और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी ना। तो उनको समझाया बुझाया, वो बात ठीक समझ में आया, चीजें समझ में आई। ठीक है, होते 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 होते, होते वो चीजें काफी दिन में, 3 से 4 महीने में उन्होंने अपने शुगर को कंट्रोल कर लिया, एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, भगवान मुझे ये रोटी दे रहा है ना, सूखी रोटी दे रहा है, इसमें भी मुझे स्वाद आ रहा है बोल के खाने लगी। 3 महीने 4 महीने में उनका शुगर वो लेवल में आ गया, 250 300 तक आया। फिर मैंने कहा कंटिन्यू करो, आप शुगर तो ठीक होगा नहीं, क्योंकि एक बार पेनक्रियाज हिला मतलब गड़बड़ है, बट आप कंट्रोल कर सकते हो। उन्होंने कहा ठीक है, उनको लगती थी वो दिन भर में ना 2 टैबलेट खाती, तो अच्छी हैवी एमजी की थी। डॉक्टर को जब दिखाई तो डॉक्टर ने कहा ये हैवी एमजी की मत खाओ, आप कम कर देते हैं, आई थिंक 500 एमजी की थी, अब 300 की कुछ थी, तो उन्होंने 100 एमजी की कर दी, 100 या 50 एमजी की कर दी, बहुत कम कर, और दिन में एक खाने के लिए बोली कि कभी भी दिन में एक टाइम खा ले। सेम चीज, उनका शुगर 4 से 5 महीने में कंट्रोल में आ गया, और वो कम से कम नहीं नहीं तो 5 6 साल से परेशान थी, हर डॉक्टर को दिखाए, कुछ दिन तक ठीक रहे, फिर शुगर बढ़ जाए, फिर वो दुनिया भर के डॉक्टर दिखा चुके थे उन्होंने, मतलब जैसे कपड़े बदलते ना वैसे तो उन्होंने डॉक्टर बदले थे। तो मेरे को भी यही लगा था कि मेडिटेशन में आप आए हो तो जैसे आप डॉक्टर बदले वैसे मेरे को भी बदल दोगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी इतनी नेगेटिव थी, फिर भी परमात्मा की कृपा थी कि वो एक ही जगह टिकी रही। अब वो ठीक हो गई, ठीक होने के बाद अपनी बहन को भेजी, उसका भी सेम वही हाल। अब वो बोली कि मेरा तो शुगर देख बहन इतना था, इतने में आ गया, विकास सर को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक ही चीज बोली, एक्सेप्ट करो, धन्यवाद करो। तो बोली ठीक है, अब वो अपनी बहन को भेजी, उसकी बहन 8 महीने तक
वही प्रयास करी मगर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, वो अपने उस बीमारी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वो बार बार यही बोलती, सर मैं कोशिश तो करती हूँ मगर होता ही नहीं है, मैं धन्यवाद तो देती हूँ मगर होता ही नहीं है। तो फिर जब पहली जो मतलब उनकी जो बहन थी वो एक्सेप्ट करना चालू कर दी, ठीक है मैं स्वीकार करती हूँ, भगवान ने मुझे ये बीमारी दी, इस बीमारी को मैं स्वीकार करती। परंतु जब वो सेकंड जो बहन थी वो एक्सेप्ट ही नहीं करने लगी, जब एक्सेप्ट नहीं करी वो फिर वो बोलने लगी, अरे तू कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता इससे, फालतू है, जबरदस्ती मेरा क्या बोलते हैं 10 दिन 12 दिन खराब हो गया, ऐसा वैसा, 2 महीने 4 महीने तक मैंने प्रैक्टिस करी। फिर वो नेगेटिव, अब जब वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही तो वो क्या करेगी बेचारी, अब वो किसके ऊपर ब्लेम करेगी, कोई नहीं मिला तो मेरे ऊपर करने लगी, वो कुछ नहीं सिखाते हैं ऐसा है वैसा है। फिर उसकी बहन उसको फिर समझाना चालू करी कि बहन तो एक बात मेरी समझ, ऐसे करने की कोशिश कर। अब वो मूर्ख तो मूर्ख, जिसको नहीं समझना होता ना उसके सामने टीचर अपना गला भी काट के रख देगा तो नहीं समझ सकता। अब जो हम भी बचपन में थे तो हमने हमें भी समझ में आता था ना कि टीचर अगर पढ़ा रहा है और अगर हमें मस्ती करनी है तो वो कितना अच्छा भी टीचर क्यों ना रहे, बगल वाले को वो पेंसिल जरूर कोचेंगे मस्ती करने के लिए, चाहे वो कितना अच्छा टीचर क्यों ना रहे। और बाद में फिर हम क्या बोलते, सर तो कुछ पढ़ाए ही नहीं थे, अब घर में पापा पूछते, अरे वहां जाते हैं सर, बस आते हैं बोर्ड में लिखते रहते हैं, बोलते लिखते लिखते फिर बाद में पट से मिटा देते हैं, बोलते घर पे बना के लाना, तो पूरा का पूरा बम कहाँ फोड़ देते हैं, स्कूल के ऊपर या टीचर के ऊपर। तो अपनी गलती एक्सेप्ट कोई नहीं करता, और जिस दिन हम अपनी गलती को स्वीकार करना चालू कर देंगे उस दिन, मैंने अपने जीवन में इसको मिरेकल होते देखा। अगर सच में आपको अपना जीवन बदलना है ना, स्वीकार करना चालू करो, आप देखो साल 2 साल के अंदर में आज आप जिस स्थिति में हैं, आज से 2 साल के बाद आप जिस स्थिति में होगे ना, आप खुद बोलोगे कि यार ये फॉर्मूला काम करता है, और लिटरली करता है, लिटरली करता है। दुख और सुख ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ये स्वाभाविक है। अगर आप मीठा मीठा खाओगे तो आपको नमकीन खाने की इच्छा जरूर होगी, अगर आप नमकीन नमकीन खाओगे तो आपको मीठा खाने की इच्छा जरूर होगी, तो टेस्ट बराबर रहे मीठा नमकीन दोनों। तो वही चीज है, अगर जीवन में आपको खुशियां ही खुशियां मिलती रही तो क्या होगा, पचा नहीं पाएंगे, है ना, पेट खराब हो जाएगा। और दुख ही दुख मिलता है तो फिर पता ही है, फिर दुख में अगर 1 घंटे की खुशी मिल गई तो हम बहुत खुश हो जाते, वाह मजा आ गया, फिर थोड़ी देर के बाद वही दुख आ जाता है। तो ये समझ में मुझे नहीं आता कि भगवान ने इतना ज्यादा दुख क्यों बनाया और खुशी को कम क्यों बनाया, ये समझ आता है? नहीं, गलत है ये। भगवान ने इस दुनिया में दुख भी उतना ही बनाया है और खुशी भी उतनी ही बनाई है। हम इंसान मूर्ख हैं, हम इंसान मूर्ख हैं जो दुख में हाथ मारते हैं खुशी में, ठीक है। आप एक चीज याद रखना, जब आप खुश होते हो तो कितने घंटे खुश होते हो, एक दिन, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, एक दिन, मैक्स टू मैक्स एक दिन तो बहुत कम होता है, नहीं कम बोल दिया मैंने, मैक्स टू मैक्स एक दिन तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, खुशी। और जब दुखी होते हैं तो कितने दिन दुखी रहते हैं, यहाँ पे काउंटडाउन चालू हो जाता है। अरे क्या बताऊं, उस आदमी ने ना मेरा जान जला दी, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन फिर निकलेगा, तीसरा दिन फिर निकलेगा, चौथा दिन फिर निकलेगा, 5वां दिन फिर निकलेगा, 6ठे दिन फिर दूसरा दर्द आ जाएगा, फिर उसको भूल जाएंगे, फिर हम उसके पीछे लगे रहे, फिर 6 दिन तक उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर नया दुख आ जाएगा, फिर नया दुख आ जाएगा। अरे खुशी आ जाए, फिर ये खुशी आ जाए, उसके बाद फिर एक और खुशी आ जाए, 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 ऐसा क्यों नहीं होता? एक दुख के बाद ही दूसरा दुख क्यों खड़ा हो जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक खुशी हुई, एक खुशी खत्म हुई, उसके बाद तुरंत दूसरी खुशी मिल जाए, फिर
फिर दूसरी खुशी मिली, फिर तुरंत तीसरी खुशी मिल जाए, फिर तीसरी, फिर चौथी खुशी मिल जाए। परंतु ऐसा ही क्यों होता है कि एक दुख मिला फिर दूसरा खड़ा है दुख देने के लिए, फिर दूसरा दुख मिला फिर तीसरा दुख खड़ा है। तो भगवान ने ना इस दुनिया में हमें दुख भोगने के लिए नहीं भेजा, भगवान ने हमें इस दुनिया में सुख भोगने के लिए भेजा है। परंतु हमारी ये जो खोपड़ी है ना, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड है, ये इतना नेगेटिव हो चुकी है, इतना नेगेटिव हो चुकी है कि हमें कीचड़ में हमें कीचड़ ही दिखता है, कीचड़ में हमें कमल नहीं दिखता, कीचड़ में कमल नहीं दिखता और कीचड़ ही दिखता। अरे यार कितना गंदा कीचड़ है, बट ध्यान से देखोगे तो वहां कमल के फूल नहीं दिखेंगे, वो कीचड़ दिखेगा, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग वैसा हो गया है, हमारी आंखों के सामने वो पर्दा डाला है दुख वाला। जिस दिन आपने वो दुख वाला पर्दा हटा दिया, आपको दुख में भी आप खुशी खोज लोगे। और हम क्या करते हैं, खुशी में भी दुख, अरे वो फलाना मेरे बारे में क्या बोल रही थी, मैं ना अच्छे से सच के गई थी, मेरी बुराई तो नहीं कर रही थी, मैंने ना इतना महंगा हार पहना था, वो मेरी हार के बारे में अच्छा बोलती है बुरा बोलती, मतलब खुशी है। आप अगर 10 लाख का हार पहने हो, आपने 20,000 रुपए की ज्वेलरी, 20,000 रुपए की ड्रेस पहने, तो उसमें भी ये पूछने होता है तो कोई मेरे बारे में बुराई तो नहीं कर रहा था, ये नहीं पूछते कितने लोग खुश हुए, कितने लोग मुझसे चिढ़े, ये पूछते। ये मैंने देखा है, कई बार मैंने देखा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे, जिस दिन ये भाव समझ में आ गया ना, तू तो भी भला और मैं भी भला, सब भला, तो वो दुख नहीं होता और हम वहीं फंसे रहते हैं। और जब तक हम इस जंजाल से बाहर नहीं निकलेंगे, भगवान भी कहता है तेरी मर्जी, तू जान, तेरा काम जाने, तेरा कर्म जाने, मैंने तुझे जीवन दिया, मैंने तुझे संसाधन दिए, मैंने तुझे एक एक बुद्धि दी, एक मन दिया, एक अवचेतन मन दिया, और उस अवचेतन मन में तू जो डालेगा वो मैं वो दे देगा। भगवान के पास इतना हिसाब किताब नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, राइट? उन्होंने एक फोल्डर बना दिया आपका और एक स्क्रिप्ट लिख दी, उस फोल्डर में आपको जीना है जियो, मरना है मरो, मेरे से मतलब नहीं। हाँ जीवन और मृत्यु मेरे को मालूम है, कब तेरे को उठाना है और कब तेरे को फेंकना है, दो चीज पता है, बाकी वो बीच की जो जर्नी है वो हमें नहीं पता। जैसे हम अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजते हैं तो हमें इतना पता होता है कि बेटा 15 तारीख को जाएगा तो 25 तारीख को वापस आ जाएगा, इतना पता है, और उस 15 से 25 के बीच में उसने कितने लात घूसे खाए और कितनी लाइफ का एंजॉयमेंट किया, कितनी अय्याशी किया, कितना दुख भोगा, ये हमें नहीं पता चलता, राइट? हमें जाने और आने का डिसाइड रहता है। अब वो ट्रेन में जा रहा है या फ्लाइट में जा रहा है, तो उसके बगल में कौन बैठा था, अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था, उसने क्या स्ट्रगल फेस किया क्या नहीं फेस किया, उससे मतलब। भगवान को एक ही चीज मालूम है, भेजना और लाना, बीच का बेटा जर्नी तेरी है। और उसके बाद जब बच्चा घर आता है, एग्जाम्पल देता हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने एक बार लास्ट टाइम दिया भी था बट वो अधूरा था शायद, अभी ये पूरा हो जाएगा। आपने अपने एक बच्चे को भेजा 10 दिन के लिए अपनी खुशी के लिए कि जा बेटा एक काम कर, तू ना वहां चले जा, वैष्णो देवी चले जा। उसका मन नहीं है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आप बोले जाके तो जा बेटा, वहां तेरे को अच्छा लगेगा। अब आपने भेज दिया क्योंकि आपको एक वैष्णो देवी का आपको एक्सपीरियंस है, वहां क्या अच्छी चीजें देखने लायक है, वहां नेचर है, वहां सब कुछ अच्छी चीजें देखने लायक। अब आपने बेटे को भेज दिया, 10 तारीख की टिकट थी, 20 तारीख को बेटा वापसी आने की, जाने आने सब कुछ एवरीथिंग आपने उसको भेज दिया, वो वहां जाके गया घुमा फिरा। अब आप उसको वापस बुला रहे हो, वापस आया, वापस आने के बाद आप उसको पूछते हो कि बेटा वहां तुझे क्या क्या अच्छा मिला, वो सिर्फ अगर क्या बताओ मम्मी वहां तो खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, इतनी ठंड पड़ती है, ये है वो है दुनिया जहान, मतलब सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। आपके बोलोगे तू जो जिस पर्पस से मैं तुझे भेजी थी ना, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ, पर्पस मेरा ये था कि देवी के दर्शन करके आना और आके बताना, जा फिर से, फिर हम भेजते हैं उसको, हमारा पर्पस पूरा नहीं हुआ, फिर हम उसको भेजते हैं, फिर वो जाता है, फिर अगर उसकी उसकी ज्ञान चक्षु खुल गए, कोई अच्छा गाइडेंस वाला मिल गया तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर वो वापस आता है, फिर वही बकवास करता है, वहां तो कुछ नहीं था, पहले क्या था, उससे ज्यादा बर्बाद मिले लोग, पानी गिर रहा था मैं तो भीग गया था, ठंड बहुत पड़ रही थी,
फिर हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा 2 साल रुक जा, फिर तेरे को भेजेंगे। तो परमात्मा भी वही। अब अगर वो व्यक्ति वहां, अगर वो बच्चा जाता, और आप जिस पर्पस से भेजे हो, पर्पस क्या था कि बेटा वहां जा, चीजों को देख, नेचर को देख, एंजॉय कर, देवी के दर्शन कर, और वहां जाता और वो आता है, क्या बताओ मम्मी, उम्मीद से परे था। मैं वहां गया तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था आने का। वहां पे नेचर इतनी खूबसूरत, वहां पे लोग इतने खूबसूरत, वहां पे सब चीजें इतनी अच्छी 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 अच्छी, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। आपके भेजने का पर्पस पूरा हुआ। आपको वही सुनना था ना, आपको वही सुनना था, आपके भेजने का पर्पस पूरा हुआ। आप उसको, आप दोबारा भेजोगे या तो उसको पूछोगे तेरा मन है तो जा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर जबरदस्ती नहीं भेज। वैसे ही परमात्मा है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो इस सृष्टि की रचना किसने करी? उस परमात्मा ने, ठीक। जब हम मरते जाते हैं ना, तो परमात्मा बोलता लाइन में, यहाँ क्या क्या अच्छा है स्वर्ग में, धरती में बता। तब तो मतलब क्या बताए भगवान, दुख, मेरा पड़ोसी मेरे को मारता था, मेरे बच्चे मेरे को कष्ट देते थे, मेरी माँ मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती थी, मेरा हस्बैंड मेरे को हमेशा प्रताड़ित करता था, ये वो दुनिया जहान। भगवान, और कुछ देखा? क्या देखा? भूखा मर रहा था। फिर से जा बेटा, क्योंकि भगवान सुनना क्या चाह रहा है, नेचर के बारे में। अब वो चला गया। अब मान लो सेम चीज है, भगवान बुलाए, हाँ बताओ कैसा लगा? भगवान, आपने जो सृष्टि बनाई है वो बड़ी मजे की है, वहां पे नेचर, वो झरने, वो लोग, वो चिड़िया, वो चहकते हुए, मतलब मेरा तो दिल खुश हो गया, मतलब इतनी खुशी मिल रही है कि आपने ऐसी सृष्टि की रचना करी जिसका वर्णन करना मुश्किल है। तो आप ये सोचो कि परमात्मा आपको बगल में बिठाएगा कि लात मारेगा? वो बोलेगा बगल में बैठ, तारीफ तारीफ करेंगे तो वो बगल में बिठाएगा, बुराई करेंगे तो बोलेगा फिर से जा, एक्सपीरियंस लेके आ। सेम चीज है हमारे साथ, यही है। तो जब हम किसी चीज की तारीफ करते हैं, जब हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोज लेते हैं। आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताता हूँ, हो सकता है किसी ने बताया होगा, हो सकता है किसी ने नहीं बताया होगा। आप हिंदू धर्म, आप मुस्लिम धर्म, आप किसी भी धर्म की कोई भी पुस्तक उठा लो, किसी भी धर्म की कोई भी पुस्तक उठा लो, उसमें जिस भी भगवान के बारे में लिखा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी है, वो है तारीफ। श्रीमद् भगवद गीता को आप उठा लो, सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता में यही लिखा है, कृष्ण जी ने सृष्टि की रचना करी, कृष्ण जी दुख के हरता, ये वो, मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी की तारीफ। दुर्गा सप्तशती उठा लो, देवी का वर्णन, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, असुरों का संहार उन्होंने किया। राम जी के लिए रामायण उठा लो, रामायण में सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की तारीफ की गई है, पॉजिटिविटी। उसके बाद आप बाइबल उठा लो, बाइबल में जीसस को बोला गया आप ही महान हो, आप ही महान हो, आप ही महान हो। गुरु ग्रंथ साहिब उठा लो, गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु गुरु की बहुत महिमा कही गई है, गुरु ऐसे, गुरु ये, गुरु वो, गुरु फलाना ढिमाना, जो भी। फिर उसके बाद आप बाइबल उठा लो, बाइबल के साथ आप कुरान, कुरान में ही ये लिखा गया है अल्लाह ही, मतलब अल्लाह ही है, और इस दुनिया में कोई है ही नहीं, सारे बेवकूफ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है। आप जिस भी हिंदू धर्म में सबसे बड़ी पंचायत क्या है मालूम है? सबसे बड़ा खतरनाक चीज है, बस आप कोई भी चीज उठा लोगे ना, कंफ्यूज हो जाता है आदमी, यार मैं किसको फॉलो करूं? राम जी का वर्णन पढ़ोगे तो वो राजा थे, कृष्ण जी का वर्णन पढ़ोगे तो वो पालन करता थे, शिव जी का वर्णन पढ़ोगे तो वो संहार करता है, विष्णु जी का वर्णन करोगे तो मुसीबत, तो ये ऐसे है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, माता सीता, मतलब महाकाली, दुर्गा सप्तशती जब उठा लोगे तो आपको ये लगेगा कि कृष्ण जी, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ है ही नहीं दुर्गा सप्तशती के सामने, ठीक है। अब शनि जी की वर्णन करोगे तो शनि जी सब ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सूर्य का पढ़ोगे तो सूर्य ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, इंद्र के बारे में पढ़ोगे तो ये लगेगा कि भाई वो तो राजा है, सारे देवताओं के राजा है। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम किसको पूजे, और सबके लिए अलग अलग भगवान डिसाइडेड है, ऐसा नहीं है मेरे लिए शिव जी है तो आपके लिए भी शिव जी होंगे, आपके लिए हो सकता है आपके लिए विष्णु जी हो, मेरे लिए शिव जी है।
तो जिस भगवान में आपको खुशी मिले उसको पूजना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब गणेश जी को ले लो, कोई भी पूजा करो, सर्वप्रथम गणपति बप्पा की पूजा करो, उसके बाद ही आपका आगे का प्रोसेस चालू होगा। हनुमान जी को ले लो, हनुमान जी को भी, मतलब हनुमान जी महाराज को भी, मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी पुस्तक उठा लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की तारीफ लिखी है। और ये क्यों लिखी है पता है? हमारे जो ऋषि मुनि हुए ना, ये बहुत और आगे की सोचे, उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी डालने के लिए वो तारीफ करी, ठीक है? अंधकासुर, फिर शुंभ और निशुंभ, ये सारे देवता का माता ने भक्षण किया और उन्होंने धन प्राप्त किया। ये आम जितने भी, आप एक और एग्जाम्पल है, आप जितनी भी कथा सुनना, कथा कथा आपने सत्यनारायण भगवान की कथा कभी सुने? नहीं सुने? सुने? सर सुने, और सर उसमें सबसे ज्यादा यही लगता है कि जैसे ये वाला, मतलब ये वाला प्रसाद, मतलब उन्होंने उसका उल्लंघन करा जो मुझे समझ आया, तो उनको दंड मिला या वो मतलब वो उस कथा में इतना ज्यादा अच्छा वर्णन किया गया है भगवान के प्रति। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो सत्यनारायण भगवान की जय बोलो, आपका सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है? उस कथा को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो सिर्फ और सिर्फ उस कथा में दो चीजें बोली गई हैं, भगवान की सिर्फ और सिर्फ तारीफ बताई गई है कि भगवान ऐसे थे, आप ऐसा करोगे तो आपको जीवन में ऐसा मिलेगा। उस स्टोरी के फॉर्म में उसको बताया गया और वो स्टोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि ऐसे आप नॉर्मल एक्स वाई जेड बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा। जब कोई चीज आपको स्टोरी के फॉर्म में आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जाती है तो वो आपको इजिली समझ में आती है। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का कभी पाठ किए होंगे तो देख लेना, देवी चालीसा, हनुमान चालीसा, आप कोई भी चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, राहु चालीसा, या उसके बाद आप राम स्तुति, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ लो, शनि चाल, उसके बाद अपना शिव चालीसा हो गया, आप उस चालीसा में सिर्फ और सिर्फ क्या है, भगवान का वर्णन ही तो है। मतलब वर्णन इन द सेंस, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉजिटिविटी। तो वो पॉजिटिविटी अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाए, इसीलिए उन्होंने उस पे ज्यादा फोकस किया। और एक चीज याद रखना, जिस चीज की आप बार 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 तारीफ करते हो ना, तो वो आपको बहुत खुशी से चीजें देते हैं। आप भगवान की बार 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 तारीफ करो, भगवान आपने ये किया, भगवान आपने ये किया, भगवान आपने ये किया, भगवान आपने ये किया। आप रामायण पढ़िए, उसमें सिर्फ और सिर्फ तारीफ है। तो भगवान की बार 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 तारीफ कर रहे हैं तो हम मतलब ये बोल सकते हैं, मेरी लैंग्वेज में, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बोलूंगा क्योंकि वीडियो जाएगी यूट्यूब में, तो कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं जो कमेंट मार देते हैं। जब आप किसी चीज को बार 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 पॉजिटिव वे में, बार 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 पॉजिटिव वे में कहते हो ना, कहते हो ना, कहते हो ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पॉजिटिविटी भरती चली जाती है, भरती चली जाती है, और वो मैनिफेस्टेशन पे आ जाती है। देवी कवच का स्तोत्र है देवी कवच। जनरली ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात और कोई भी नेगेटिविटी है तो वह व्यक्ति देवी कवच का पाठ, जया विजया चिचला, मतलब हर उसमें वर्णन है। तो उस देवी कवच में सिर्फ और सिर्फ देवी के गुणगान का वर्णन है। वो क्यों वर्णन है? क्योंकि हमें जब वो गुणगान हम सुन रहे हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जा रही है, और जब वो बात पॉजिटिविटी वाली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है तो वो हमें मैनिफेस्टेशन पे क्या देगी, पॉजिटिविटी। आप नॉर्मल किसी व्यक्ति का गुणगान करना चालू करो, दरअसल मैंने एक शब्द बोला था लास्ट क्लास में, मैं ही मैं हूं और तुम भी मैं ही हूं। तो जब आप किसी का गुणगान कर रहे होते हो तो दरअसल आप किसका गुणगान कर रहे हो, खुद का या सामने वाले का? खुद का हम खुद का कर रहे होते हैं, वहां पे बस माध्यम होता है कि ये तुम हो, ये मैं हूं।
और जब आप किसी की बुराई कर रहे होते हो तो दरअसल आप क्या कर रहे होते हो? आप बुराई किसकी कर रहे हो, खुद की या दूसरे की? खुद की, खुद नहीं कर की। तो इसीलिए ना, इसीलिए बाइबल में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है, बाइबल में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है, गीता में बहुत अच्छी चीजें लिखी गई है, रामायण में बहुत, जो भी आप ग्रंथ, जो भी सनातन धर्म की जो भी पुस्तकें हैं वो उठा लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी के बारे में बात किया, कहीं भी आपको निंदा नहीं बताई गई कि इस भगवान ने इसका गला काटा तो गलत हो गया ना। उन्होंने, अब जैसे रावण को भगवान मारते हैं तो क्या कहते हैं, अहंकार का दशहरा होता है ना, दशहरा में है नाश हो गया, ना, अहंकार अन्याय पर को न्याय की जीत हुई, वो क्यों कहते ऐसे हैं, वर्ड बोलते हैं। वो क्यों कहते हैं अन्याय पर न्याय की जीत हुई, वो क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाए। अच्छा ये देखना कि आप ना बहुत कम लोगों को राम नाम रखते ज्यादा देखे होंगे, रावण किसी का नाम नहीं रखे होंगे, गिनती के कोई एक आध घर माँ बाप रख देते होंगे कि मेरा बेटा रावण है। वो रावण कैसे, उसको बचपन से रावण रावण बोलते हैं तो उसका नाम रावण पड़ जाता है, बट कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। वो एक पात्र है, और वो पात्र इसलिए है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आना चाहिए। हम कोई भी चीज को ना स्टोरी के फॉर्म में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, स्टोरी का फॉर्म में आपके दिमाग में जाएगा। अगर नॉर्मल कहेंगे एक राम है एक रावण है, रावण ने, वो भी स्टोरी का ही फॉर्म है, ठीक है? तो जब स्टोरी के फॉर्म में हम कोई चीज को समझते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो बड़े प्यार से लेता है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में कोई भी रिकॉर्डिंग करके जाऊंगा, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना समझ लो, ठीक है? जब आप, जैसे मैं ना सबसे अच्छा गुरु मैं मानता हूँ, तो सबसे अच्छे गुरु मेरे दो हैं, जिन्होंने मुझे दीक्षा दी, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, वो तो है ही गुरु। उसके बाद जो मैं गुरु मानता हूँ ना, वो गुरु एक तो गौतम बुद्ध है, और दूसरा जो मेरे गुरु जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो है ओशो, ठीक है? गौतम बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, अगर आप कभी उनकी स्टोरी पढ़ोगे तो गौतम बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, और वो कभी किसी को अपना गुरु बोलने नहीं दिए। गौतम बुद्ध का कभी पढ़ना, गौतम बुद्ध के गुरु इसलिए नहीं थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे, मैं गुरु कब बनता, जब मैं गुरु दीक्षा लेता। गुरु वही बनता है ना जो गुरु दीक्षा लेता है, पहले शिष्य बनेगा फिर जाके गुरु बनेगा। उन्होंने कहा मुझे ये आत्म साक्षात हुआ, अपने से आया, तो मेरे को कोई ज्ञान देने वाला कोई नहीं था, मैं सेल्फ से अपने इस ज्ञान को प्राप्त किया, तो मैं शिष्य बना ही नहीं सकता, इसीलिए उनको गुरु नहीं बोला जाता। गौतम बुद्ध को कोई गुरु बोलते सुने आप लोग? कभी नहीं, गौतम बुद्ध को कोई गुरु नहीं कहता, क्यों? क्योंकि वो दीक्षा उन्होंने किसी से ली ही नहीं, उन्होंने अपनी चेतना से उस चीज को जागृत करी और उन्होंने शिष्य बनाए, उन्होंने अपने शिष्य बनाए, 10 शिष्य बनाए, उन 10 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान दिया। वैसे ही ओशो को कई लोग बुरा कहते हैं, बट ओशो की जो, ओशो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंसान, ओशो की बुराई नहीं थी कुछ, बट लोगों ने उसको गंद फैला दिया। अब मैं ओशो को फॉलो करता हूं तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ओशो बहुत अच्छे थे, वो वाकई में ही बहुत अच्छे थे, बस ओशो के लिए उन्होंने, कुछ लोगों ने उनको गंद फैला दी, बाकी ओशो के पास जो नॉलेज था वो बिल्कुल गौतम बुद्ध के जैसा ही नॉलेज था। उस तरीके का वो होना चाहिए, उनको तो अच्छे अच्छे लोग टक्कर देने के लिए आए तो बोले आ जाओ दो दो हाथ हो जाएगी, तुम ज्ञान की बात करते हो ना, मैं कर लेता हूँ। अच्छे अच्छे लोग टक्कर नहीं दे पाते थे ओशो को, जब वो अपनी ज्ञान ज्ञान की धारा प्रवाह करते थे ना, और ऐसा उनके पास ऐसा कोई, मतलब प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा, और पूरा ऑपरेशन करके पोस्टमार्टम करके खोल के रख देते थे, क्यों क्या कैसे और क्यों हुआ, मतलब इस तरीके से पूरा ऑपरेशन करके उसके सामने परोस देते थे। सामने वाला भी बोलता था ये तो बड़ा विचित्र, मतलब कोई व्यक्ति सब्जी बनाया तो उसने क्या क्या सब्जी में डाला वो पूरा उसके सामने रेसिपी रख देते थे कि ये ऐसे 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 बनाया, उसके बाद फाइनली ऐसी सब्जी बनी है, उस तरीके का उनका नॉलेज था, ठीक है? तो उतना नॉलेज तो खैर हम नहीं ले सकते, बट हाँ ध्यान हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें अच्छे कर सकते हैं। ओशो के पास कितनी, मेरे ख्याल से 10 रॉयल्स रॉयल कार थी कि 50 रॉयल्स रॉयल कार थी,
तो जहां पे वो थे वहां से उनको भगा दिया गया कि जितनी तो हमारी रानी के पास नहीं, उससे ज्यादा तो उसके पास रोल्स रहे, भगाओ उसको यहाँ से, सारा तबाही मचा देगा। तो अब वो पैसा उनके लिए मायने नहीं रखता, उनका ज्ञान बहुत था तो लोग ऐसी भर भर के देते, ये मेरी तरफ से, ये मेरे। अब कोई गुरु को आज तक कभी सुनी रॉयल सरर गिफ्ट में मिली? उन्होंने कभी खरीदी नहीं थी, उनको गिफ्ट में मिली थी। और सोचो 3 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी कोई गिफ्ट में दे रहा है, मतलब वो किस लेवल के गुरु होंगे। उनको पैसे से प्यार नहीं था, उनको अपनी नॉलेज का बहुत बहुत, और कभी उन्होंने घमंड नहीं किया। और मैं तो खैर उनका स्टोरी अलग है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। चलो ये बताओ आज की क्लास कैसी लगी, क्या सीखने मिला आज की क्लास में? हाँ शाली बोलो। सर मैं तीन चीज बोलना चाहूंगी आज की क्लास के लिए। एक तो सर फर्स्ट ना मैं ना आज ऐसा सोचा था मॉर्निंग में कि मैं आपसे कुछ पूछूंगी कि सर सांसों के ऊपर कोई मेडिटेशन बताओ, तो आज वो आपने ऑटोमेटिकली बता दिया, जबकि आज इस टाइम हमारी वास्तु क्लास होनी थी, हम इसमें हैं। और देखो सर ऐसा वास्तु क्लास में हम ये डिस्कस नहीं करते, तो शायद वो चीज आज क्लास ही कैंसिल हो गई। सेकंड सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि ना जो आज आपने बताया ना मतलब अपने आप को एक्सेप्ट करना, तो सर उसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि मैंने लास्ट क्लास में जो बोला था भगवान शिव को साक्षी मानकर, तो सर कभी कभी ना मैं उस प्रार्थना को 15 मिनट करती हूँ, पर कभी कभी ऐसा होता है मुझे नींद आ रही होती है तो मैं उसे सिर्फ 10 बार बोलती हूँ और 10 बार मैं थैंक्स बोलती हूँ कि मुझे जो मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं टाइम होता, लिटरली सर आंसू आ रहे होते हैं, इतना दिल से निकलता है और वो चीज मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत ठंडक मिल रही है और मुझे एक ऑक्सीजन मिल रही है, वो मेरे अंदर ऑक्सीजन वाला काम मतलब शायद मेरी एनर्जी हाई हो जाती है, इतना अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकती। पर मुझे शुरू में समझ नहीं आया था, शुरू मैंने बस इसको फॉलो करा था, वो धीरे धीरे करते करते ऐसी हैबिट हो गई कि अब सर उसके बिना नींद भी नहीं आती, करे बिना लगता है आज नींद आ रही है ठीक है 10 बार कर लेते हैं, तो उसमें वो चीज बहुत अच्छी लगती है। पर सर इसको मैंने बहुत लोगों को बताया जैसा मैं बता पाई, कुछ लोगों ने फॉलो करा उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मेरी फैमिली ने इसे फॉलो नहीं करा और वो आज भी वही सब कर रहे हैं। और सर मुझे एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन है मेरा कि उन्होंने फॉलो नहीं करा तो सर सीरियसली मैं मेरी अपनी पूरी फैमिली से मैं थोड़ा सा अलग हूँ, हालांकि रिकॉर्डिंग अलग है चल रही है मैं फिर भी बोल रही हूँ, शायद वो भी बाद में सुने इसको। देखो तो सर ऐसा क्यों कि मतलब वो लोग आज मतलब 4 जन एक साथ होते हैं तो मैं अकेले खुद में खुश क्यों होती हूँ और वो लोग बैठ के वही 4 बुराइयां या वही सब कुछ कर रहे होते हैं क्यों, और या फिर मैं अलग हूँ या फिर मेरा ऑरा या मेरी मेरा कुछ अलग हो गया उनसे, ये मेरा क्वेश्चन है। फिर तीसरा मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप मुझे इसके लिए बताओ कि ऐसा क्यों है। आंसर दूंगा, सभी के लिए ये आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी पहले इसकी बात करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद अरे करनी सर पड़ेगी। सर मुझे तो मतलब मेरे तो क्वेश्चंस का आंसर मुझे मिल गया। हाँ और तीसरा मेरा ये था कि ना आज सुबह मैंने एक चीज ये भी सोची थी, एक तो सांसों वाली सोची थी, दूसरा मैंने ना जैसे मैं पूजा करती हूँ तो मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, कष्ट भंजन देव की, वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, और वहां के गुरु हैं स्वामीनारायण, तो वहां पर पूजा में देते हैं स्वामीनारायण की पूजा करो फिर कष्ट भंजन देव हनुमान जी की करो, तो सर उसे घर में काफी अच्छा फर्क भी है। पर सर हमारे घर में मेन पूजा जो होती है वो राधा कृष्ण की होती है, तो सर मन वहां पर भी भटकता है, तो मैं आज सुबह ये चीज सोच रही थी कि ना जो आप एक बात बोलते हो एक साधे सब सधे, तो सर अब उसमें मैं क्या करूं, मतलब मैं जैसे ही मैं आंख बंद करती हूँ तो हनुमान जी मेरे सामने होते हैं और बहुत मतलब अच्छा कनेक्शन है, आंख बंद करती हूँ राधा कृष्ण भी होते हैं, तो सर एक साधने वाली बात है तो मैं क्या करूं, तो मुझे एनर्जी मैं है, बहुत एनर्जी कंफ्यूज है, हूँ। एनर्जी है। नहीं, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, ये भी क्लियर कर दूंगा डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, दोनों एक एक लाइन का है, पहला वाला भी एक लाइन का, दूसरा वाला भी एक लाइन का। ठीक है, चलिए बाकी लोग बताइए क्लास क्लास कैसी लगी। सर चीजों को एक्सेप्ट करने का जो फॉर्मूला आपने बताया है ना, वो अभी तक उसके बारे में मैं अवेयर नहीं था, लेकिन अभी आपने जो बताया ये एंगल को मैं ट्राई करके देखता हूँ। शायद इस थीम पे मैंने कभी अभी तक सोचा नहीं है, मैं करता हूँ डेफिनेटली। जो आपने जो थीम पे बताया है वो काफी लॉजिकल लगा और इसका डेफिनेटली फायदा होगा ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
गुरुजी, एक्सेप्टेंस वर्ड बोलना बहुत आसान है, स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है। इंग्लिश और हिंदी के शब्द नहीं है, लेकिन स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और खास तौर से उस वक्त स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है जब आप चारों तरफ से उलझन में फंसे हों। मैं वाकई जो घर की स्थिति थी, मैं नहीं स्वीकार कर पा रही थी, और मुझे मालूम है मेरी ये ऊपर का माला है ना, ये सारा माला मेरा कैसे फटा था। मैं काम कर रही हूँ लेकिन भूख लग रही है। अब क्या होता है, चिड़चिड़ेपन में या तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, इंसान बहुत ज्यादा खाएगा, या फिर बिल्कुल नहीं खाएगा, और दोनों ही कंडीशन में बीमार होने के पूरे चांसेस है 100%। मैं अच्छा खाते हुए भी मैं तंदुरुस्त नहीं हो रही थी, मेरे को बहुत वीकनेस फील हो रही थी, ऑल्दो मैं फिजिकली फिट हूँ, मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। बट पिछले कुछ दिनों से जैसे आपसे डिस्कस हुआ था, तो उस चीज को धीरे धीरे जैसे छोड़ना और स्वीकार करना और अपना उसमें कर्मों का खाता मानना, वो स्वीकार करने से मुझे कुछ ही दिन, मतलब मैं एक्चुअली मेरी टीचर जरूर हूँ लेकिन मैं हमेशा ना काउंटिंग इस मामले में भूल जाती हूँ कि किस तारीख को मैंने क्या किया था या कितने दिन मैंने इसको क्या किया। बट शायद आपको भी याद होगा, कुछ ही दिन हुए थे, वो अब तक हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और घर का माहौल भी मेरा जो चिंताजनक माहौल था वो थोड़ा सा काम डाउन पे आया है, और डिस्कशन प्यार से स्टार्ट हुई है। और तो स्वीकार करने का भाव मैं यही कहूंगी कि स्वीकार करना बोलना आसान है, कथनी और करनी में जब इंसान की बिल्कुल सेम हो जाती है ना, जिस टाइम कथनी और करनी, जो बोला वो किया। अब जैसे माँ ने कहा ना कि मैं खाने में ये सब्जी बना रही हूँ, और वही बनाई, तो बच्चा ना आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स पे विश्वास करेगा, चाहे माँ उसको आगे कुछ भी बना के खिला दे, उसमें बोले कुछ और खिला दे कुछ और, लेकिन बच्चा आखिरी सांस तक ये कहेगा नहीं, मेरी माँ ने जो बोला वो किया। तो कथनी और करनी, बस जिस दिन समान हो जाए जीवन, उस टाइम धन्य हो जाता है। और मैं स्वीकार करने पे उस पे आ गई, और भीतर से बिल्कुल स्वीकार किया, और मैं अब खुश हूँ, मेरे घर में अब शांति का माहौल है, यही चीज बहुत एक खुशी है। की। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद बहुत गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इसका जवाब दूंगा, बहुत अच्छा जवाब है इसका, बहुत सरल जवाब। कथनी और करनी, जब हम बहुत दो पुस्तकें पढ़ लेते हैं ना, तो हम लॉजिक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मैं ऐसा क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं? झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप किसी को थप्पड़ मार दो, सॉरी बोलना बड़ा आसान है, अरे यार सॉरी गलती से लग गया, परंतु वो थप्पड़ उसके दिल में जाके बैठा। अब वही थप्पड़ अगर उसने आपको घुमा के मार दिया तो यहां पे एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो इसी चीज को मैं से आप एक दिन में नहीं कर सकते। एक दिन में आपने खाना बनाना सीखा, एक दिन में आपने साइकिल चलाने सीखी, एक दिन में आपने रोटी बनाना सीखी, एक दिन में आपने क्या काम बड़ा, एक दिन में आपने क्या ड्राइविंग करना सीख लिया, क्या एक दिन में आपने मतलब कार चलाना सीख ली? नहीं, आपने प्रयास किया। क्या एक दिन में आपने अच्छी हैंडराइटिंग बनाना सीख ली? नहीं, प्रयास किए। तो यही प्रयास सबको करना है कि कथनी और करनी, इन दोनों को मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा। कथनी जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा, हो सकता है कि आज मैं ना कर पाऊं क्योंकि मेरा प्रयास नहीं है, हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मैं ना करूं, परंतु 6 महीने के बाद आप जो बोलोगे वही करो। कोई व्यक्ति आपको कितना बुरा बुरा बोल दे, ठीक है ना जाने दे, ठीक है ना जाने दे, और जब माथा सरक जाएगा तो फिर आप भी चढ़ जाओगे, फिर बाद में आपको याद होगा कि नहीं यार गलत कर दिया या गलती हो गई, वहां पे आप कट ऑफ कर दो। ठीक है, तो ये एक पाठ है, ये जीवन का एक पाठ है। भगवान परीक्षा क्यों लेता है? इसीलिए तो लेता है। अब हर कोई भगवान बन जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी ना, तो वो परीक्षा इसी की तो है। और ये परीक्षा नहीं है दरअसल, ये हमारे लॉजिक माइंड का सिर्फ और सिर्फ। अब एक शब्द बताओ मुझे, किसी ने आपको कोई एक ऐसा शब्द कह दिया, स्टुपिड कह दिया, आपको इस शब्द से नफरत हो गई, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे को स्टुपिड कह दिया। अब ये स्टुपिड क्या है? स्टुपिड एक शब्द है, शब्द से बनाया हुआ, अक्षरों से बनाया हुआ एक शब्द, दो मतलब अक्षरों को जोड़ जोड़ कर बनाया हुआ एक शब्द
शब्द है स्टुपिड, अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप स्टुपिड हो गए। हाँ थे और ना, क्या करना है, स्टुपिड बोल दिया बोल दिया, आपने नहीं पकड़ा। अब किसी ने आपको तमिल में कुछ गलत बोल दिया, आपको समझ में ही नहीं आया, आप उसको कुछ बोल ही नहीं सकते। किसी ने आपको हिंदी में गाली दे दी तो आप तो चढ़ जाओगे राशन पानी लेके, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और किसी ने तमिल में गाली दे दी तो नहीं, गाली क्या है, गाली दरअसल हमारी मान्यता है। अब हमको बचपन से सिखाया गया कि ये गाली है, अब बचपन से बोले जाते ये पॉजिटिव शब्द है बेटा, खुश होना चाहिए इसमें, तो हम उसमें खुश हो जाएंगे, ये हमें सिखाया गया। गुरु अब जी, जैसे किसी को अगर किसी को कुत्ता कहा जाता है तो वो कुत्ता खा जाता है। हाँ, तूने मुझे कुत्ता कहा, और लेकिन भाई पंजाबी में क्या बोलते हैं, मेरा शेर पुत्र। अब कुत्ते और शेर में फर्क क्या है तो दोनों जानवर, तो वही वही चीज है, भाई दोनों शब्दों ही का मांस खाने फर्क वाले है, हैं बस। पकड़ने फिर का स्वामी फर्क है और बोलने की टोन है। जी, गुरु जी, आप किसी स्वामी जी ने ने बोलते थे, थोड़ा सा मैं कह लूं, स्वामी जी बोलते थे कि कोई तुम्हें पागल कहे ना तो तुम शुक्रिया अदा करना। फिर वो पागल का अर्थ बताया करते थे, पागल पंजाबी का शब्द ले लिया जाए, गल मीन्स बात, जिसने बात को समझ लिया, जिसने जीवन का तथ्य, जीवन की सार्थकता को समझ लिया, उसको पा लिया, तो वो संसार से एक लेवल ऊंचा उठ गया। और ऐसा करते करते वो समाज में रहता हुआ भी, सामाजिक कार्य करता हुआ भी, परिवार को निभाता हुआ भी, वो एक अलग दिशा देता हुआ संसार को तब दुनिया से विदा होता है। वही वही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप शब्दों को पकड़ते हैं तो आपको बुरा लगता है, और जब आप शब्दों को पकड़ोगे ही नहीं, जैसे कई बार ना किसी ने एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने साला बोल दिया और किसी ने साले बोल दिया, और नॉर्मल लैंग्वेज में हम अपने फ्रेंड्स को बोले चल बे साले दिमाग मत खराब कर, और हम उसको चल बे साले दिमाग मत खराब, वो क्या बोले गाली दे रहे मेरे को। अब मुझे ये बता तेरे कपड़े में कहाँ चिपका साला, कहीं चिपका है तो बता दे भाई निकाल देता हूँ, चिपकता दिमाग में। और वही चिपकन को जिस दिन आप हटाना चालू कर दोगे ना, आपको कोई व्यक्ति कितना भी कहेगा मस्त रहोगे, मस्ती में आग लगेगी मस्ती। ठीक है, यही चीज मैं आप लोगों को इस पूरे कोर्स में सिखाऊंगा, और जो भी सीखोगे ना आप अपने जीवन को निखारोगे, आपके अगल बगल में कोई रहेगा वो भी निखर जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आपने एक बहुत खूबसूरत सा परफ्यूम लगाया है और आप किसी के बगल में जाके बैठ जाओगे तो वो भी उस परफ्यूम की महक में महक जाएगा, और उस वो व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाएगा तो वो बोलेगा यार खुशबू उसने डीओ वगैरह लगा, बोले नहीं यार मैं तो नहीं लगा था, हाँ मेरे पड़ोस में किसी ने लगाया था तो उसकी खुशबू मुझे आ गई। ठीक है, तो वही चीज है, वो खुशबू हम अपनी एनर्जी को बढ़ाएंगे, और वही दुर्गंध अगर आप किसी को दुर्गंध दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, कैसे तेरे बॉडी से अजीब सी स्मेल आ रही, तो हम क्या बोलेंगे अरे वो बगल में एक जन बैठा था उसकी दुर्गंध मेरे ऊपर आ गई। तो वो खुशबू हमें बनना है, वो महकना है, वो बगीचे की तरह, वो गुलाब की तरह हमें खुशबू, वो परफ्यूम की तरह जहां जाए लोगों को खुश कर दे। वही है जीवन का सबसे बड़ा सार ये, दुख तो जीवन में सभी के आते हैं, मेरे भी आएंगे आपके भी आएंगे, जीवन में अगर दुख नहीं आएगा तो खुशी नहीं आएगी, खुशी नहीं आएगी तो दुख और सुख ये दोनों पहलू के दो सिक्के हैं, अगर राइट है तो लेफ्ट होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राइट है तो लेफ्ट ना हो। अगर सिक्के के दो पहलू होंगे तभी वो रियल में सिक्का है, अगर पहलू ना हुए तो समझ लो कुछ है ही नहीं। अगर जमीन के अंदर जड़ है तो ऊपर पौधा उगेगा, और जड़ ही नहीं है तो पौधे की कोई वैल्यू नहीं। तो जीवन में दुख और सुख ये दोनों स्वाभाविक है। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग गुरु ऑफ जी, करता हूँ। धूप ही धूप।